अभी 2-3 दिन के बाद संडे है तो क्यों ना हो जाए अमूल फ्रोजन पिज़्ज़ा घर में आराम से, जस्ट हीट एंड ईट। ये पिज़्ज़ा कोई भी बना सकता है, तवे पे, इलेक्ट्रिक ओवन पे, कोई भी, यानी इसमें कुछ थाईलैंड की वगैरह नीड नहीं है। जैसे अपनी मैगी वगैरह कैसे इंस्टेंट आती है, कोई भी बना सकता है, वैसे ये पिज़्ज़ा भी बना सकता है। सिर्फ क्या करना है, पैक के पीछे बैक साइड में ज़रूर देखो कैसे रेसिपी ऑल मेंशन किया, कैसे बनाए, गैस ओवन पे, तवा पे, इलेक्ट्रिक ओवन पे, और 110 रुपीज़ में। और इस पिज़्ज़ा बॉक्स में पिज़्ज़ा ब्रेड है पूरा राउंड शेप वाला, और 4 टाइप की चीज़ें, मोजरेला चाहिए, 4 टाइप की चीज़। जैसे ये हीट होता है और इतना यम्मी चीज़ बनता है ना, पूछा ही मत। बाकी के पिज़्ज़ा कैसे मार्केट में वगैरह बहुत सारा ब्रेड रहता है और पिज़्ज़ा केचप वगैरह ऐसा ज़्यादा रहता है, और चीज़ नाम के लिए डालते हैं, मगर इसमें चीज़ ही चीज़ है, क्योंकि ये हाउस ऑफ अमूल चीज़ इंडिया से है, तो चीज़ इनका बहुत रहता है इसमें, होल टाइप का है। फिर इसमें फ्लेवर भी आता है, मरगरी का है, गार्लिक है, एक प्रीमियम है जिसन गार्लिक, और बेस्ट पिज़्ज़ा है, आराम से बहुत बॉक्स ऑफ पिज़्ज़ा आराम से बना के खा सकते हैं पिज़्ज़ा। फिर अमूल रसमलाई है, ये ट्रे पैक आता है इनसाइड ऐसा, आराम से इसका भी ये USP की पैक के बैक साइड में देखो, और हाफ के जी जस्ट 200 रुपीज़ में है, फुल पैसा वसूल है। और इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना पड़ता है एंजॉय करने से पहले, यानी हार्ड रहता है ये, फ्रोज़न रहता है तो थोड़े लिए वो हार्ड रहता है, तो वो नॉर्मल पे लाना पड़ता है। तो कोई कोई क्या करते हैं हार्ड के साथ ही, वो गलत है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाओ, पिघलाओ और एंजॉय करो, और बची हुई वापस फ्रिज में रखो, कभी भी एंजॉय कर सकते हैं, और सेफ हाइजेनिक है, कुछ मिलावट नहीं है, बेस्ट आइसक्रीम है। संडे रह गए हम ऑल FMGC नीड, शुगर फ्री है, कैमल आइसक्रीम भी है, ऑल FMGC नीड है, वेजिटेबल्स भी है, क्या है वेजिटेबल्स भी है, क्या है, अमूल होल मार्ट, अमूल पिज़्ज़ा शॉप, अमूल रसमलाई स्वीट कॉर्नर, DP रोड, पोत्रू।